देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। वर्मा सर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, am I right? जिनको आपने Q1 और Q2 नाम दे रखा है, ये अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितने मीटर हो जाएगा आपका? 0.2 मीटर की दूरी पे रखे हुए, तो ऑब्वियसली ये दैट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके द्वारा दिया जाएगा? कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा। और आप जानते हैं कूलम्स साहब ने कहा था 1/4π ε₀, और ये Q1 है, ये Q2 है, अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर। इन्होंने बताया कि साहब ये 20 न्यूटन का दिया था, इसकी आपको जरूरत नहीं, और चार्जेस मालूम नहीं थे, डिस्टेंस आपकी 0.2 मीटर थी, उसको स्क्वायर कर दिया, है राइट? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर इन्हीं चार्जों का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपके दिमाग में, साइंटिफिक दिमाग में एक आना चाहिए, यार अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई अंतर नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। तो आपने देखा फार्मूले में अगर सब कुछ सेम है तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है, स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था 0.2 मीटर पे या 20 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे घट के मिलता है कि नहीं। तो आपने कहा कि सर ये चार्ज हमारे पास वही थे Q1 Q2, और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का कर दिया आपकी बार। तो आप कह सकते हैं कि सर जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, तो फोर्स चेंज हो गए ही, क्योंकि फार्मूला आप देख रहे हैं डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आपने कहा चार्ज के प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक, ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपको मालूम है, अगर इतनी चीज आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, वो आप यहां से ले लीजिए। यहां से आप देख रहे हैं Q1/Q2/4π ε₀ 20 है, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, बस काम बन गया सर। अब आप तो कैलकुलेट हो गया, 0.2 स्क्वायर है तो 0.2 कर देंगे, आरडेस आपको मालूम है 0.25, सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपने कहा सर ये दो हटा दीजिए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसको हटा दीजिए, तो 25 × 4 = 20, यहाँ देखिए 5 × 4 = 20, 5×5 = 25, अब क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, 4 × 8 = 16, 16×64, नीचे 5, 5 × 5 = 14, तो 5 × 3 = 15, तो लगभग 30 न्यूटन हो गया। पहले कितना था? 20 न्यूटन का था, तब जब 0.2 था, अब देखिए घट गया 30 न्यूटन, तब जब 0.25 यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स बिटवीन चार्जेस घटेगा।